इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के अंदर चल रहे विवाद के बीच। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज शाम कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। कांग्रेस नेताओं की ये मीटिंग वर्चुअल होगी। आपको बता दें बिहार चुनाव में मिली हार के अलावा ताजा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी, क्योंकि कपिल सिब्बल लगातार ये कह रहे हैं कि आत्ममंथन करने की जरूरत है, आलाकमान को आत्ममंथन करना चाहिए। पिछले 6 साल से आत्ममंथन कांग्रेस पार्टी ने किया ही नहीं है और लगातार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो आलाकमान को सलाह दे रहे हैं आत्ममंथन करने की। और बिहार में जो हाल हुआ उसके बाद तो जो सोनिया गांधी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको सोचना चाहिए कि पार्टी किस दिशा में जा रही है और जो मौजूदा हालात है उसको लेकर के कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में मंथन चिंतन होगा। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार से पार्टी में हाहाकार मचा है। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों से नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पार्टी के नेता हाईकमान से पार्टी की हालत पर आत्ममंथन करने की नसीहत दे रहे हैं, तो हाल के चुनावों में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद पार्टी के दो दिग्गज नेता कपिल सिब्बल और अशोक गहलोत इस मसले पर अब आमने सामने आ गए हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि बिहार के चुनावों और दूसरे राज्यों के उपचुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर अब तक टॉप लीडरशिप की राय तक सामने नहीं आई है। शायद उन्हें सब ठीक लग रहा है और इसे सामान्य घटना माना जा रहा है। बिहार और उपचुनावों के नतीजों से ऐसा लग रहा है कि देश की जनता कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रही है। गुजरात उपचुनावों में हमें एक सीट नहीं मिली, लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा था। कपिल सिब्बल यही नहीं रुके, उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से इंटरव्यू में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप कमजोरियों को कबूलना नहीं चाहती। पार्टी ने 6 सालों में आत्ममंथन नहीं किया। हमें कमजोरियां पता है लेकिन समाधान हम अपनाना नहीं चाहते। अगर यही हाल रहा तो पार्टी को नुकसान होता रहेगा। सिब्बल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर नॉमिनेटेड हैं, जबकि CWC को पार्टी के संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक बनाना होगा। पार्टी नेतृत्व पर सिब्बल के ऐसे हमले से पार्टी में अब हाहाकार मची है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिब्बल पर निशाना साधते हुए ट्वीट करते हैं, कपिल सिब्बल को मीडिया के समक्ष हमारे आंतरिक मुद्दे का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, इससे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सिब्बल ही नहीं, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी पार्टी के अंदर चुनाव कराने की मांग की है। इससे पहले इसी साल अगस्त महीने में सिब्बल समेत कांग्रेस के 20 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव करने की जरूरत बताई थी। तब CWC की मीटिंग में इस चिट्ठी को लेकर हंगामा भी हुआ था। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को BJP का मददगार तक बता दिया था। टीम न्यूज़ नेशन।